बढ़ते आगे बुलेटिन में खबरें कुछ विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे मुश्किलें में पड़ गए हैं। भड़काऊ भाषण देने के लिए 2 FIR उन पर दर्ज की गई है। नितेश राणे ने मुसलमानों को दी थी खुली धमकी। श्रीरामपुर और तोपखाना थाने में उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भड़काऊ भाषण के चलते FIR दर्ज की गई है और महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे जो है मुश्किलों में पड़ गए हैं। भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया था जिसके बाद 2 FIR उन पर दर्ज की गई है। तो भड़काऊ भाषण देने के बाद लोगों में आक्रोश जो है वो देखा गया और उसके बाद उनके ऊपर 2 FIR दर्ज करवाई गई हैं, जिसके चलते अब भड़काऊ भाषण के बाद उनकी मुश्किलें कुछ बढ़ गई हैं। एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से तो तमाम बड़े चेहरे हैं वो भड़काऊ भाषण के चलते जो है लगातार मुश्किलों में पड़ते जा रहे हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी प्रथमेश हमारे साथ जुड़ गए। प्रथमेश, देखिए नितेश राणे ने जो भड़काऊ बयान दिया उसके बाद माहौल थोड़ा गर्म हुआ और अब 2 FIR उन पर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधा निशाना जो है एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को भी सीधा निशाना उन्होंने साधा है, जिसके बाद उन पर जो है 2 पुलिस स्टेशन में FIR जो है वो उनके खिलाफ दर्ज किया। एक सिमरनपुर पुलिस स्टेशन हो गया और एक जो तोपखाना पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। हालाँकि जो FIR है जो सीधा एक मुस्लिम कम्युनिटी और एक भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में जो है यहाँ पर जो FIR है दोनों पुलिस स्टेशन में वो फिलहाल वहां पर दर्ज की जा चुकी है। फिलहाल जो है पुलिस इसकी जांच कर रही है। वीडियो भी बाहर आ चुका है कि किस तरीके से उन्होंने एक अपशब्द वहां पर बोला था एक जनसभा को संबोधित करते हुए। हालांकि एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है मेंटेन होनी चाहिए, जिसके कारण जो है जो FIR है वो वहां पर दर्ज किया गया था और लगातार इसमें जो पुलिस है वो भी यहां पर जांच कर रही है। जिस तरीके से जो भाषण है उसके क्लिप्स निकाले जा रहे हैं और इस भाषण में उन्होंने क्या बोला है और क्या पूरा जो मामला है इस पर पूरी फिलहाल पूरी तरीके से जांच की जा रही है और नितेश राणे के ऊपर फिलहाल 2 FIR दर्ज किए गए। 2 FIR जो दर्ज किए गए, ये एक अहमदनगर में कल नितेश राणे का एक दौरा था, वहां पर इन्होंने जो है भड़काऊ भाषण दिए थे। जिस तरीके से गिरिराज महाराज, जो पुणे के गिरिराज महाराज है जिन्होंने कुछ दिन पहले वो सुर्खियों में थे, उन पर जिस तरीके से उन्होंने एक तथ्य रखते हुए कहा कि किसी ने भी अगर इनको हाथ लगाया तो इस तरीके से जो भड़काऊ भाषण और अपशब्द का जो इस्तेमाल है वो वहां पर किया गया और पूरे कौम के ऊपर एक उंगली उठाते हुए उन्होंने फिलहाल जो है एक भाषण अपना जनसभा को संबोधित करते हुए एक आपत्तिजनक जो भाषण है वो वहां पर किया था, जिसके बाद उन पर जो है 2 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जा चुकी है। जी ठीक है, यहीं पर अगर प्रथमेश बात की जाए तो देखिए खुलेआम ये जो धमकी दी गई है उसके बाद माहौल ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस भी इसमें नज़र आए, क्योंकि धर्म को लेकर ये टिप्पणी की गई थी। बीजेपी की तरफ से इस बयान को लेकर क्या कोई बयान सामने आया है? जी फिलहाल इस पर जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता और जो अधिकारी है वो इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने ही कुछ बोला है इसके वजह से जो है फिलहाल जो अगर मैं बात करूं अहमदनगर की भी, तो फिलहाल वहां पर अहमदनगर में भी पुलिस अपना जो है नियंत्रण है फिलहाल पुलिस का, वहां पर जो अपनी स्थिति है वो वहां पर बनाए बैठी है, आग अपनी गड़ाए बैठी है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं जो इस तरीके से आपत्तिजनक जो एक भाषण किया गया था जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने की आशंका ऐसे जताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए जो स्थिति है वो फिलहाल कंट्रोल में और जो पुलिस है वो हर जगह पे तैनात है कि कहीं पर भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या फिर कहीं जो प्रोटेस्ट हमें देखने मिलता है नितेश राणे के खिलाफ तो वहां पर तुरंत ही एक्शन किया जाएगा और वहां पर जो सिचुएशन है वो तुरंत ही कंट्रोल की जाएगी। फिलहाल के वक्त में ऐसा जो स्थिति है वो फिलहाल अहमदनगर में, लेकिन फिलहाल जो पुलिस है वो नितेश राणे के ऊपर चार्ज कर रही है, FIR भी दर्ज हो चुकी है। कुछ ही शायद आज में ही नितेश राणे से भी सवाल जवाब पुलिस की तरफ से पूछे जाएंगे। जी प्रथमेश, इसी पर क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से वहाँ पर जो माहौल बनाया गया, पहले महंत रामगिरी महाराज ने मुस्लिम समाज के पैगंबर पर टिप्पणी करने के बाद राज्य के अलग अलग जिलों में मोर्चा खोला था और उसी दौरान एक बड़ी टिप्पणी यहाँ पर की गई है, लगातार वहाँ पर धर्मों पर एक के बाद एक टिप्पणियाँ हो रही हैं और दोनों ही तरफ से ये सिलसिला लगातार जारी है, इसको किस तरीके से बीजेपी देखेगी, किस तरीके से उस पर रोकथाम लगाएगी, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है और ऐसे में इस तरीके की टिप्पणियाँ एक के बाद एक आना
सभी समाज को साथ लेकर चलना भारतीय जनता पार्टी कहती है, सबका साथ सबका विकास। और ऐसे में ऐसी टिप्पणियां उन्हीं की तरफ से की जाती है और एक के बाद एक ऐसी टिप्पणी आ रही है, कभी किसानों को लेकर टिप्पणियां होती हैं, कभी दूसरे धर्मों को लेकर टिप्पणियां होती हैं। तो इस पर क्या कुछ रुख अख्तियार आगे कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? क्या इस बयान के बाद किनारा करती नजर आएगी या फिर यहाँ पर अपने नेता को, नीतीश राणे को, इस बयान के लिए खुद जवाबदेही के लिए कहा जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, जिसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि हमारे खिलाफ जो है रॉन्ग नैरेटिव सेट कर दिया गया था। और हाल ही में ही शायद 2 से 3 महीने में जो है महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस की जो घोषणा है वो की जाएगी, यहाँ पर भी जो है विधायकों के इलेक्शंस किए जाएंगे और उस पर बीजेपी की खास नज़रें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये रोज़ कहीं ना कहीं मीटिंग लिए जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी, महायुति, दोनों कहीं ना कहीं मीटिंग लिए जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है आने वाले चुनाव के मद्देनजर देखते हुए, किस तरीके से जो नीतीश राणे ने अब भाष्य किए है अपना, आपत्तिजनक जो एक वर्ड्स कहा है, आपत्तिजनक भाष्य दिया है वहां पर, और कहीं ना कहीं पूरे कौम के ऊपर, एक पूरे कम्युनिटी के ऊपर एक उंगली उठाई है। तो इस पर एक बहुत बड़ा जो है बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस पर जो अपना आंखें लगाए बैठी है और इस पर जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है, बीजेपी भी कहीं ना कहीं एक पीछे आएगी, क्योंकि जिस तरीके से थोड़े दिनों में जो महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस होंगे, विधानसभा के चुनाव होने वाले, जिसके बाद सबकी जो नजर है वो वही होनी, इस पर जो है कई मुद्दे फिलहाल बनते हुए नजर है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, पहले अगर बात करूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जो स्टैचू कोलैप्स हो गया था वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, अब ये दूसरा मुद्दा बन सकता है। तो ये सबका विकास और सबके साथ लेके जो एक नारा बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी साथ लेके चलना होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव जो है नजदीक है महाराष्ट्र में, और जिस तरीके से जो पूरा अभी जिस तरीके से राजनीति चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल भी हमने देखा किस तरीके से उद्धव ठाकरे हो जाए, कांग्रेस से नाना पटेल हो जाए, ये सब लोग जिस तरीके से मुंबई में मोर्चा निकाले, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है आने वाले चुनाव के मद्देनजर देखते हुए। ठीक है प्रथमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।